हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं ना किचन में आ गई थी तो 6 बज रहे थे मॉर्निंग के, तो मुझे ना कल बनानी थी ये भगवान जी के लिए प्रसाद पंजीरी का, तो कल बनाना नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में बना लूँगी। तो वही आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने सुबह सुबह उठकर क्या काम किया और मेरी बेटी ने क्या क्या किया है मेरे साथ में। तो चलो दिखाती हूँ आपको। और मैंने ना ये सारे ड्राई फ्रूट भून कर रख लिए थे जो रखे थे, और फिर उसमें ना सबको मैंने ना घी में भून लिया था, और अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और ये देखिए चीनी डाल दी, अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूंगी। और मैंने इसमें ना ये 500 ग्राम चीनी होगी, और इसमें ना मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया था इसके अंदर कि जिससे ये अच्छे से पक जाए पानी के साथ। तो मैं तो ऐसे अंदाज से ही डाल लेती हूँ पानी। तो और ये मैंने इसमें पानी डालकर मैं अब इसको ना अच्छी तरह चला रही हूँ जिससे इसमें लम्स ना रह जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो जब ये पक जाएगी ना, अब देखिए ये बिल्कुल पानी बन गया है इसका, चीनी का बिल्कुल पिघल गई है चीनी। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये टाइट होगी ना, तो इसके इसमें ना अब ये देखिए ये अब धीरे धीरे टाइट होने से लगी है थोड़ा सा। ये मैं चला रही हूँ इसको कंटिन्यू कि जिससे ये इसमें नीचे जमे ना। और ये देखिए अभी ये अच्छे से हो जाएगी। और ये देखिए, और मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसमें पानी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। और देखिए ये हो जाएगी। और ये देखिए चीनी ना अच्छी तरह से पक गई थी, और ये जो सारे ड्राई फ्रूट रखे थे मैंने नारियल वारल इसको घिस लिया था कद्दूकस में, और मैंने सारा मिक्स कर लिया था एक साथ मिलाकर। और अब मैंने ये अच्छे से पक जाएगी चीनी, तो अब मैं इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट को मिला दूँगी। और फिर ना इसको मैंने एक परात में ना घी लगा कर रख लिया था एक परात दोनों परात में कि जिससे सारी इसी मैदा ज़्यादा बर्तन ना हो। और ये देखिए अच्छे से ये हो गई है, अच्छे से इसमें अच्छे से देख लिया। ये देखिए ये तार निकलने लगे हैं, और मैं इसको चेक करके देख रही हूँ पानी में डालकर। तो ये अगर पानी में जमने लगती है ना, तो हम इसको इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिला देंगे और पंजीरी जमाएंगे। और ये देखिए ये हो रही है। तो प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और जो मेरी गलतियाँ हो किया कीजिए, प्लीज़ बताया कीजिए जिससे मेरी वीडियो आगे अच्छी बन सके। तो देखिए मैंने सारे में मिक्स कर दूंगी अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट, और थोड़ा थोड़ा करके मैं ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर रही हूँ। और देखिए ये जमने लगी है इसमें ही, और ना अच्छे से मैं इसको मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ सबको। और मैं ना ऐसे धीरे धीरे सारे मिला लूँगी मैं इसको, और फिर बाद में ना मैं इसको ना कढ़ाई में डाल दूँ, कढ़ाई से निकाल कर ना मैं इसमें इसको परात में जमा दूँगी। और ये देखिए, और मैंने ना इसको देखो पंजीरी के जो ये चीनी वीनी ये पंजीरी का जो बैटर था इसको सबको परात में फैला दिया था और अच्छे से जमा दिया था। और देखिए पंजीरी देखिए कितनी अच्छी जम गई है, और मैं इसका भोग लगाऊंगी बाद में। और देखिए सुबह के टाइम भगवान जी के सारे बर्तन रखे थे, तो मैंने उनको भी साफ़ किया पीताम्बरी से, और ये रखे हुए थे कि मैंने सारे पालने वाले सबकी सफाई की पंजीरी बनाने के बाद में। तो बहुत टाइम लग गया था, 7:30 बज गए थे उस टाइम तक, लेकिन हो गया था। और यहाँ पर ये मैंने ना धो के रख लिए थे बर्तन, देखिए मैंने धो कर रख लिए हैं। और मेरी बेटी ने ना रात में ना ये इनके कान्हा जी के लिए सिंहासन बनाया था,
और ये 12 बजे तक बनाया था। और देखिए इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। इसने कहा मम्मी आज पालने में नहीं बैठाएंगे लड्डू गोपाल को, उसमें बैठाएंगे, तो हमने इसी में बिठा कर इनकी पूजा करी थी। तो आप बताना उसमें कैसा लग रहा है आपको ये सब सिंहासन। और मेरी बेटी रात भर जाके, और ये देखिए हमने ना चौकी पर बैठाए थे कान्हा जी, और शाम को हम झूला में बैठा देंगे। तो हो सकेगा तो मैं शूट करूँगी उसको, आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊँगी व्लॉग में कि हमने कैसे इनका झूला लगाया हुआ है। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी, हनुमान जी, लक्ष्मी गणेश जी। और ये देखिए पंजीरी रखी हैं भोग में और रखे हैं। और तो सुबह सुबह सूट नहीं हो पाया था ना, जिस टाइम पूजा की थी तो उसके बाद का सीन है ये। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरे हमने ना ड्रेस बनाई थी लक्ष्मी माता की और गणेश जी की, तो घर पर ही बनाई थी वो ड्रेस। तो मेरी बेटी उनमें स्टोन चिपका रही थी, तो ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो और देखिए यार, और देखिए मॉर्निंग के टाइम पर उसी टाइम पर ही ये बंदर आ गए थे और बैठकर बस कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तो मैंने कहा क्या दूँ इनको, तो गाजर रखी हुई थी उस टाइम पे। तो देखो कितने सारे मंकी बैठे हुए हैं ये सब, और देखना ये सारे खा रहे हैं। और इस रस्सी पर भी झूल रहा था मंकी, छोटा सा बेबी, वो नीचे है, वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। और देखिए ये देखिए छोटा सा मंकी कितना प्यारा लग रहा है। और देखो ये देखो डर रहा है, लेकिन दूसरा वाला पीछे से आकर मेरे से देखो कैसे कर रहा है, ये देख लो हाथ मिला रहा है ये। और ये बस डरते नहीं हैं मुझसे ना, मुझे इनसे डर लगता है। और ये देखिए सब मिलकर ये गाजर खा रहे थे, तो ऐसे ही करते रहते हैं सारे दिन। और ये देखिए झूला है ना, झूला पे झूल रहा था नीचे वाला मंकी, और ऊपर देखो कितने सारे बैठे जी, पूरे जीने पर मंकी बैठे। तो व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।